आम बोलचाल के भाषा में हम क्रमवाचक गिनती बहुत बार करते हैं, जैसे कोई फर्स्ट आया, सेकंड आया, या फिर हम गुणवाचक गिनतियों के बारे में भी बहुत बार बात करते हैं, जैसे एक गुना, दो गुना, तीन गुना, पांच गुना। क्या आप इसका एग्जैक्ट इंग्लिश मीनिंग जानते हैं? और अगर जानते हैं तो अपने आप को चेक कीजिए, कहीं आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको नहीं आता तो इस वीडियो से जरूर सीखिए। तो आइए सबसे पहले हम क्रमवाचक गिनती के बारे में बात करते हैं। तो आम बोलचाल में हम हर बार बोलते हैं कि स्टूडेंट पहला स्थान प्राप्त किया, यानी पहला मीन्स फर्स्ट, FIRST। अगर किसी स्टूडेंट ने दूसरा स्थान प्राप्त किया तो दूसरे को आप बोलेंगे सेकंड, SECOND, सेकंड। बहुत से लोग प्रोनाउंसिएशन में गलती करते हैं, जिसको हम सेकंड नहीं बल्कि सेकंड बोलते हैं। अगर कोई बच्चा तीसरा स्थान प्राप्त किया तो आप उसको थर्ड बोलेंगे, THIRD। वैसे ही चौथे को फोर्थ और पांचवे को फिफ्थ। अगर किसी बच्चे ने छठा स्थान प्राप्त किया तो आप उसको सिक्स्थ बोलेंगे, SIXTH। और सातवां स्थान प्राप्त करने को आप सेवेंथ बोलेंगे, SENVENTH। आठवां और नवे स्थान प्राप्त करने वाले को आप एट्थ और नाइन्थ पोजिशन बोलेंगे, और दसवें को आप टेंथ बोलेंगे। तो आइए अब हम गुणावाचक गिनतियों के बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे आप किसी को बोलते हैं एक गुना, यानी आप सिंगल की बात कर रहे हैं, तो एक गुना को हम बोलते हैं सिंगल, SINGLE। अगर किसी चीज को आप दुगुना कर रहे हैं तो उसको हम इंग्लिश में डबल बोलते हैं, DOUBLE। और अगर आप किसी चीज को तिगुना कर रहे हैं तो उसको हम थ्री फोल्ड यानी तीन गुना बोलते हैं, और चौगुने को हम फोर फोल्ड यानी चार गुना बोलते हैं। सिमिलरली पांच गुना को हम फाइव फोल्ड यानी पांच गुना बोलते हैं। आप यहाँ पे मिला रहे होंगे कि हम नंबर के आगे सिर्फ फोल्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, जिस फोल्ड का मतलब होता है उतना गुना। छठे को हम सिक्स फोल्ड, सातवें को सेवन फोल्ड, आठवें को एट फोल्ड, और नौवे को नाइन फोल्ड बोलेंगे, और दसवें को हम टेन फोल्ड बोलेंगे। आइए साथ में एक और काउंटिंग हम कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल काउंटिंग, यानी अंशवाचक गिनती। इसमें भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। जैसे आधा के बारे में बताना हो तो आधा मीन्स हाफ, 1/2। अगर तीन चौथा यानी 3/4 के बारे में बताना हो तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं 3/4। और अगर दो तिहाई यानी 2/3 के बारे में बताना हो तो उसको हम बोलते हैं 2/3। और अगर एक चौथाई यानी 1/4 हिस्से के बारे में बताना हो तो उसको हम बोलते हैं 1/4। सिमिलरली पांचवा और छठे भाग को 1/5 और 1/6 यानी 1/5 और 1/6 के नाम से हम जानेंगे। सातवें भाग को 1/7 यानी 1/7 के नाम से हम जानेंगे। आठवें और नवे को 1/8 और 1/9 भाग के नाम से जानेंगे, और दसवें भाग को हम 1/10 बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे तीन तरह के अलग अलग नंबर काउंटिंग्स के बारे में पढ़ लिया, यानी क्रमवाचक गिनती, गुणवाचक गिनती और अंशवाचक गिनती। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपसे इनके बारे में कभी कोई मिस्टेक नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए।